जी नाजरीन, इस वक्त हम कैथोलिक चर्च सोहोवाला में मौजूद हैं। जब हम यहाँ पर हाजिर हुए हैं तो ये हमारे लिए भी सरप्राइज था कि हम इधर आए हैं। पहले तो हमारा प्रोग्राम नहीं था इधर आने का, लेकिन खुदावंद की मर्जी से मेरे साथ अमजद खान साहब मौजूद हैं, एजाज भाई हैं, तारक साहब हैं, और ये खुदावंद की मर्जी से हुआ है कि हम एक तारीखी जगह, मसीहों के लिए ये बहुत बड़ी अहमियत की हामल जगह है, क्योंकि यहाँ पर ये जगह इस हवाले से अहमियत की हामल है कि यहाँ पर कहा जाता है कि बरसगीर पाको हिंद में ब्रिटिश के दौर में यहाँ पर चर्च तामीर हुआ, और यहाँ से मुलहक्का सैकड़ों देही इलाकों में यहाँ से फादर जाते और मनादी करते, कत्लो गारत भी होती, और यहाँ तक के सिख, हिंदू और दीगर मजाहब के लोग जो हैं वो अपनी इबादत तो ज़रूर करते, लेकिन मसीहियों की इतनी तादाद मौजूद नहीं थी। कहा जाता है कि इस सियालकोट की धरती का ये तारीखी चर्च है सोहोवाला चर्च, ये गालबन 18वीं सदी में ये चर्च तामीर हुआ। आज हमने यहाँ पर 12 साल से मौजूद रेवरेंड फादर महबूब एवरेस्ट जो इस चर्च की निगहबानी कर रहे हैं, निगहदाश्त कर रहे हैं, और यहाँ पर उनकी बहुत सारी खिदमात हैं कि वो इस चर्च को जो गैर आबाद हो चुका था, ये डाकुओं की खो बना हुआ था, ये सारा टूट फूट का शिकार था, और यहाँ पर डाकू अपने पैसे गिना करते थे और ये गैर आबाद हो चुका था। नाजरीन, ये इसलिए बता रहे हैं कि ये हिस्ट्री का एक हिस्सा है कि फादर जी से जब हमने मुलाकात की, उन्होंने भी हमें बताया कि ये गैर आबाद जगह थी, और यहाँ क्याम पाकिस्तान से एक सदी पहले यहाँ पर कैटेकिस्ट ट्रेनिंग सेंटर था, और यहाँ पर मनाद साहबान यानी मुबशरान अंजील को ट्रेनिंग दी जाती थी, जो मुख्तलिफ देहातों में जाकर खुदावंद की मनादी करते, और ये इलाका इस इतबार से अहमियत का हामिल है। और बरसगीर पाको हिंद में सियालकोट की इस धरती को ये भी एजाज़ हासिल किया कि यहाँ से मिशनरी जो थे वो मुख्तलिफ इलाकों में गए और उन्होंने जाकर खुदावंद के कलाम की मनादी की। नाजरीन, एक और ख़ास बात यह है कि हमारे एक बुज़ुर्ग मुबशरान अंजील बाबू यूसुफ कई बार मुझे बता चुके हैं कि यहाँ पर जब मिशनरी आए तो यहाँ से दीगर इलाकों में जाने के लिए कोई रास्ता मौजूद नहीं होता था, घोड़ों पे सवारी करके जाया करते थे, और कई बार वो उनके पास हैवी किस्म की मोटरसाइकिलें होती थी, और बाबूजी यूसुफ ने एक दफ़ा मुझे बताया कि यहाँ से चंद किलोमीटर के फासले पर एक गांव है वाई, वहाँ पर फादर की मोटरसाइकिल से पेट्रोल ख़त्म हो गया, तो फादर ने कहा कि मैं इधर रात ठहरता हूँ, तो आप जाएं और सोहोवाला से वो ड्राम में से पेट्रोल गैलन में से लेके आए। तो बाबू जी बताते हैं कि साइकिल का रास्ता भी मौजूद नहीं होता था कि जहाँ से बंदा ट्रैवलिंग करके जा सके, यानी इतनी मुश्किलात थी इस इलाके में। वो खेतों को पानी लगाने के लिए वो जो रास्ते बने होते थे उनमें से गुजर कर मनादी की जाती थी, यानी इंतहाई मुश्किल तरीन मरहले थे। ये हकीकत ये है कि अभी दो दहाइयाँ हुई हैं कि रास्ते बेहतर हुए हैं, सड़कें तामीर हुई हैं, सड़कें बेहतर हुई हैं, लेकिन इससे कबल जो हिस्ट्री है वो यही है कि ये गैर आबाद इलाके थे, यहाँ पर दूर दराज इलाकों में कोई भी मनादी के लिए कुछ जामिया चीज़ें मौजूद नहीं थी। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये मिशनरियों का कमाल है, उनको खुदावंद की ब्लेसिंग थी कि वो दूर दराज इलाकों में खुदावंद की मनादी के लिए अपना काम सर अंजाम देते थे। हिस्ट्री के अतबार से एक और बड़ी ख़ास बात यह है कि ये सियालकोट से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर है ये गांव, सियालकोट सिटी से ये 15 किलोमीटर के फासले पर है, और यहाँ से ये जो रास्ता है ये फतेहगढ़ को लिंक करता है आगे हाजीपुरा, और ये रास्ता वो रास्ता है कि जो अमृतसर और इंडिया के
जो बड़े बड़े इलाके हैं उनको भी लिंक करता है, और यहाँ से सियालकोट और इंडिया का बॉर्डर जो है वो भी इसी रास्ते से लिंक होता है। और शेख मौला का तालाब है, वहाँ से अगर देखा जाए तो श्रीनगर और दीगर जो इलाके हैं वो ये वही रास्ता है। कहा जाता है कि क़याम पाकिस्तान से पहले ये रास्ता मौजूद था और सियालकोट को ये रास्ता जो था ये लिंक करता था। अभी जब हम देखते हैं तो यहाँ पर अब बहुत सारे नए इलाके जिनमें सड़कें भी तामीर हो चुकी हैं और मेन शाहराह जो है रावलपिंडी को लिंक करती है वो भी तामीर हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर आना इंतहाई मुश्किल था। लेकिन ये मिशनरियों का कमाल है कि वो इतने दूर दराज इलाके में आकर गैर आबाद जगह पर उन्होंने आबादकारी की और लोगों को खुदावंद के कलाम की तालीम दी, और आज पूरे पाकिस्तान में नहीं यहाँ से सियालकोट से पूरी दुनिया में जो मिशनरियों का पैगाम था, मसीहत की तबलीग थी, उसके वसीले से पूरी दुनिया रोशनास है। यहाँ से कराची, लाहौर, पेशावर और मुल्तान या पाकिस्तान के किसी शहर में भी चले जाएं, वहाँ पर सियालकोट के लिंक्स मौजूद हैं कि कोई ना कोई राबता यहाँ पर मौजूद है। हमारे साथ अजाज भाई मौजूद हैं, हमारे साथ अमजद खान साहब मौजूद हैं, तो चंद मिनट के लिए मैं खान साहब से पूछूंगा कि उन्हें कैसा लगा है यहाँ पर आकर और उनकी फीलिंग्स क्या हैं। जी खान साहब, मुझे तारीख का तो नहीं पता था इतना, लेकिन जावेद साहब ने पूरी तारीख हमें बताई है, और बीइंग क्रिश्चियन वो ईमान ताज़ा हो गया है, और मैं शुक्रगुजार हूँ फादर जी का जो 12 साल से खिदमत कर रहे हैं, और इससे मैं जंगल ही कहूँगा इसको, ये आज भी जंगल ही है, वो खिदमत कर रहे हैं। और वो बता रहे थे कि ये शाम को 6 बजे के बाद यहाँ पे फायरिंग वगैरह शुरू हो जाती है, ये इतना सेफ इलाका नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वो खुदा की खिदमत कर रहे हैं, खुदा के कलाम की खिदमत कर रहे हैं, तो खुदा उनकी हिफाजत करे। और जो कलीसिया जो यहाँ पे आ रही है उनके लिए भी हम लोग दुआगो हैं कि वो इसी तरह इस चर्च को बढ़ाते जाएं और ये चर्च आबाद रहे, यही हमारी दुआ है। बहुत शुक्रिया खान साहब। अजाज भाई, आप भी दफ्तर में मुंसलिक रहते हैं, तो चलें आज आपसे भी बात करते हैं कि फादर जी आपके उस्ताद भी हैं रेवरेंड फादर महबूब एवरेस्ट, आपने उनसे मुलाकात भी की है, आपको अभी भी दाबे पड़े हैं जो पहले पढ़ते थे तो कुछ ना कुछ ज़रूर कहें, फादर जी का शुक्रिया अदा करें, या और ये देखें कि तारीखी एतबार से आपको कैसा लगा है यहाँ सौवाला चर्च में, खसूसन इस चर्च में आकर। जी भाई जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि हम शहर में रहते हैं, लाहौर में हमारे इर्द इर्द गिर्द बहुत से चर्चेज हैं, बहुत से चर्चेज हैं, लेकिन हम वहाँ पे फिर भी नहीं जाते। ये चर्च जो यहाँ पे आबाद है, फादर जी ने कहा, फादर महबूब ने, ये उजाड़ बियाबान पे साइडों पे सारे खेत हैं, सारे वराना है, और ये रात शाम 6 बजे के बाद इधर कोई बंदा आता ही नहीं है, तो यहाँ भी तो दुनिया आती है चर्च करने के लिए, तो हम अपने शहर में रहते हुए अपने चर्चेस का क्यों नहीं रुख करते। बाकी तारीखी एतबार से ये बहुत खूबसूरत चर्च है, बहुत खूबसूरत चर्च है, और बड़ी मेहनत की है फादर महबूब ने यहाँ पे, और उन्होंने बताया हमें कि सारी उजाड़ बियाबान जगह थी वहाँ पे उन्होंने ये चर्च बनाया है। और बाकी जुनैद भाई, बड़ा चला सऊवाल आके सियालकोट इधर चर्च आके, और यही तारीखी मकामात हैं, तारीखी हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी की जगहें हैं जहाँ पे हम लोग, हमें जाना चाहिए, वहाँ पे जाके देखना चाहिए कि शुरू से मसीहत कैसे स्टार्ट हुई पाकिस्तान में, कैसे इन मिशनरी लोगों ने काम स्टार्ट किया, जो कि सारे बाहर के थे, फॉरनर्स थे, कुछ अपने पाकिस्तान भी थे, इनको देखें और इनको फॉलो करें और खुदावन की तरफ रजू करें। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, थैंक यू अजाज भाई। 150 साल हो चुका है नाजरीन इस चर्च को तामीर हुए, 150 साल बहुत एक लंबी हिस्ट्री है अगर देखा जाए तो। 18वीं सदी में यह तामीर हुआ,
और आज भी यहाँ पर जो बरकात का नज़ूल है वो उसी तरह है जिस तरह फादर जी हमें बता रहे थे कि यहाँ पर एक वक़्त ऐसा था कि घंटियाँ बजती थी और महसूस होता था कि यहाँ पर रूह की मामूरी है। तो यकीन जाने यहाँ पर आकर ऐसे ही महसूस होता है कि जैसे आज भी रूहानी तौर पर बंदा आसूदगी हासिल करता है। तो नाज़रीन, अगर कभी मौका मिले तो बहसियत क्रिश्चियन सोहवाला सियालकोट में, सियालकोट से तकरीबन 12 से 15 किलोमीटर के फासले पर है, इस चर्च को ज़रूर विज़िट करें और देखें कि किस तरह मिशनरीज़ ने किस तरह दूर दराज के इलाकों में, गैर आबाद इलाकों में खुदावंद के कलाम की मनादी के लिए ख़ुद को सर्व किया। खुदावंद हमें भी तौफीक दे कि हम भी अपनी खिदमात को, जैसे अभी पिछले हफ्ते हमने बलाहट का, अच्छा चरवाहा का इतवार मनाया है, कि हम अच्छे चरवाहे किस तरह बन सकते हैं। जो भी इंसान की खिदमत है उसी में अगर वो साबित कदम रहे तो यकीनन वो खुदावंद के कलाम की मनादी करता है और खुदावंद के कलाम के अहकामात की पैरवी करता है। तो खुदावंद हम सब को अपनी पनाह में, हिफाजत में रखे और हम जहाँ जहाँ पर भी हैं अपनी खिदमत के दायरे को इसी तरह वसी करते रहें। खुदावंद हम सब को बरकत दे। आमीन।